मंगलवार को कालिंदी कुंज के इस इलाके में एक दर्दनाक वारदात हुई, जहां शाहरुख नाम के एक शख्स ने दो भाइयों कमल किशोर और शिवम पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें एक भाई कमल किशोर की मौत हो गई जबकि शिवम जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। पुलिस के मुताबिक कमल किशोर, शिवम और शाहरुख इसी इलाके में रहते हैं। किसी मामूली विवाद को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा मंगलवार को शुरू हुआ। उसके बाद शाहरुख एक बड़ा सा चाकू लेकर आया, पहले कमल किशोर पर उसने ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे कमल किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। जो तस्वीरें हैं क्राइम सीन की वो काफी विचलित करने वाली हैं। उसके बाद कमल किशोर का भाई शिवम वो अपने भाई के बीच बचाव में आता है, शाहरुख उस पर भी ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर देता है। शिवम बुरी तरह से जख्मी है। पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है और एहतियात के तौर पर अगर आप यहां पर देखें तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक टुकड़ी है उसको तैनात कर दिया गया है, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की एक टीम को भी यहां पर तैनात कर दिया गया है। शाहरुख को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि उस पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज है। विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ ये अभी भी क्लियर नहीं है। शाहरुख से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली।